बिल्कुल जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से जो इम्प्लॉयज के लिए आज दिन रखा है वोटिंग के लिए जो पोलिंग स्टाफ है, हमें मुख्तलिफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट्स में जाना है, अपने ड्यूटी देनी है, तो इनके लिए आज यहाँ पे बहुत अच्छे इंतजाम रखा गया। आप देखते हैं कि लंबी कतारें लगी है, हम अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और स्पेशली डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर जो हमारी मैडम है और उनके तमाम जो स्टाफ जैसे ARO हंदवाड़ा, ARO हंदवाड़ा, उनको आप तमाम मुलाजिमों की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो उन्होंने फैसिलिटी रखी है और आपके माध्यम से अपने तमाम जो वोटर्स एलिजिबल वोटर्स है प्लस 18 उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अपने घरों से निकले, वोट का इस्तेमाल करें, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने होम वोटिंग भी रखी है। जो अगर ऐसा कोई वोटर है जो पोलिंग बूथ पे नहीं जा पाएगा तो उसके लिए होम वोटिंग रखी गई है, बट हर एक को वोट डालना है, अपने अच्छा नुमाइंदे के चुने, बिकॉज यही है, यही हमारे पास वो पावर है जिसे हम अपने फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। जो इस डेमोक्रेसी में जो बड़ा रोल बनता है, हर घर तक ये पहुंचाना है कि कैसे इस वोटिंग को कैसे हमें ये अदा करना है। असल में एक्चुअली जो ट्रेनिंग, सबसे पहले मैं ये कहूँगा जो ट्रेनिंग के साथ पर देखिए, जो मास्टर ट्रेनर्स अब की बार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर रखी है वो द बेस्ट है, सुपर ट्रेनर्स है। जो हमें ट्रेनिंग दी गई है कोई कन्फ्यूजन नहीं है EVM के बारे में या जो डॉक्यूमेंटेशन के बारे में या जो वोट कब शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, जो आज सुविधा यहाँ रखी है एनरोमेंट हॉल में, जो हम यहाँ पर सब लोग आए हैं, सब लंबी लाइन लगी है। ये जो डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, हम मुलाजिम हैं और आज यहाँ से वोट डालने के बाद हम बिल्कुल अपने काम पर लगेंगे, क्योंकि जो 1 तारीख को हमारी वोटिंग है वहाँ पर अपने अपने पोलिंग बूथ पर हमें जाना है। हम इस पर बिल्कुल मुतमिन हैं, हम बिल्कुल इसके कारण दे हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं, काम करते आएंगे, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे।